यूपी के आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग ने मछलियों पर एक रिसर्च की है, जिसका दावा है कि किसानों द्वारा फसलों में उपयोग होने वाले कीटनाशक और फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल से यमुना नदी सहित तमाम अन्य नदियों, तालाबों और गड्ढों में पल रही मछलियां कैंसर फैला रही है। यमुना नदी में जो फिशेज पाई जाती हैं, जो लोकली ईडेबल फिशेज होती हैं, हम उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ये वाकई खाने योग्य हैं कि नहीं। यमुना नदी हम लोग आप सब जानते हैं कि काफी पॉल्यूटेड हो चुकी है, काफी सारे पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज से इसमें आके मिल जाते हैं, तो ये फिशेज काफी टॉक्सिक हैं और हमारे खाने के लिए ये सूटेबल नहीं है। सर, हम ये रुनकता से यमुना बैंक के रिवर से, हमने वहाँ से ये फिशेज कलेक्ट करी हैं। उसके बाद ये चन्ना पंक्टेटस फिश है और इनको हमने पेस्टिसाइड कार्बोफ्यूरोन से ट्रीट कराया है। उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि ये फिशेज जो हैं वो बहुत ही हार्मफुल हैं खाने के लिए, ये एडिबल नहीं है। जो कीटनाशक पेस्टिसाइड जिन्हें कहते हैं किसान खेतों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन खेतों से बरसात के सीजन में वो पेस्टिसाइड आ जाता है, गड्ढों में, नदियों में भी आता है। उसका जो असर है मछलियों पर, मछली के रक्त में, गुर्दे में, फेफड़ों में, मांसपेशियों में, उसका अध्ययन किया है। सीधा सीधा था कैंसर, जिसमें ब्लड कैंसर पहले नंबर पे है और भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी जहर हमारे शरीर में जाएगा तो वो बायो मैग्निफिकेशन, एक वो है प्रक्रिया, उसके द्वारा वो बढ़ता चला जाता है।